दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही अनोखी सब्जी। अगर आपके भी घर पे कोई सब्जी ना हो या कुछ समझ ना आए तो ये सब्जी जरूर बनाइएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपके घर में सारे सदस्य को पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। एक कप हमने बेसन लिया हुआ है, इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गाढ़ा बेटर तैयार करेंगे। बहुत स्मूथ सा बेटर हम इसका तैयार करेंगे चलाते हुए। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे ताकि जो हम इससे सब्जी बनाए तो बहुत बढ़िया नरम सब्जी बने। तो ये देखिए हमने इसे फेंट लिया हुआ है। चलिए मिक्सी जार में डाल देते हैं 3 हरी मिर्च, कुछ धनिया की पत्ती डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच डालेंगे धनिया और इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 हमने मीडियम साइज के प्याज ली थी मोटे कट करके। तो चलिए तेल गरम हो गया है तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम डाल देंगे बड़ी को और बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, फूला फूला बड़ी बहुत ही नरम बनता है। और इसकी सब्जी बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी दोस्तों कि इसके आगे आप चिकन मटन सारे भूल जाएंगे। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और तो देखिए फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, कुछ खड़े गर्म मसाले, तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग और 2 हरी इलायची है। उसके बाद जो हमने पेस्ट पीस के रखा था वो डाला है हमने और इसे हम भून लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को 5 मिनट के लिए भून लेंगे दोस्तों। तो 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। तो दही को हमने फेंट कर लिया है तो ये सब्जी बिना टमाटर का बन रहा है तो इसमें दही हम डालेंगे। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हो तो इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही से ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है, कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो चलिए लो फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। भूनने के बाद दोस्तों 5 से 6 मिनट लगा है इसे भूनने में। उसके बाद 1 गिलास हम पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है, चलिए बड़ी को डाल देते हैं और 2 मिनट के लिए इसी के साथ हम बॉयल कर लेंगे ताकि बड़ी में इसका जो ग्रेवी है एब्जॉर्ब कर लें। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट हो गई है बड़ी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करने के बाद। और कुछ धनिया के पत्ती डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों सब्जी हमारी स्वादिष्ट तैयार हो गई है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ना, ये सब्जी आप चावल के साथ खाइए, पराठा के साथ, पूरी के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए, कैसे भी खाएंगे बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेगा। जिसे भी खिलाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा तारीफ करिएगा।